हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईसर ट्रैक्टर का मीटर कैसे रिपेयर करें, आईसर ट्रैक्टर के मीटर के कनेक्शन कैसे करें। ये जो है हमारे सामने है आईसर ट्रैक्टर का मीटर, तो मैं आज इसके आपको कनेक्शन बताऊंगा किस तरीके से जो है आईसर मीटर के हम कनेक्शन करेंगे। देखिए आप, एक इसमें जो है ये डीजल का है, ये ऑयल प्रेशर का है, ये बैटरी का है और ये गर्मी मीटर है हमारा। ये जो है ये रेसिंग बोल सकते हैं आप इसे, आरपीएम मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसके कनेक्शन, इनमें कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं रहती। इसमें कुल तीन वायर, एक मीटर में तीन वायर रहते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जो है ये हमारे थर्मास्टेट स्विच पे जाएगा। तो हम आज इसके आपको पूरे कनेक्शन पार्किंग से लेके पूरे कनेक्शन में आपको बताऊंगा कि आरपीएम तक कैसे चेक करें। ठीक है, तो हम इसके कनेक्शन चालू करते हैं। तो इस मीटर कनेक्शन करने में जो है हमारे यासिर भाई हमारी मदद करेंगे। देखिए आप, लो यासिर भाई, हम यासिर भाई को जो है कनेक्शन बताएंगे और हमारे यासिर भाई जो है इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये हमने वायर लिए हुए हैं, इसमें में से जिस कलर के वायर जो हैं उसी कलर के वायर हमें डालना चाहिए, जिससे आसानी होती। अभी हम क्या करेंगे कि ये पॉजिटिव तीनों मीटर के जो पॉजिटिव हैं ये रेड कलर के वायर, इनको हम इकट्ठा करेंगे। देखिए आप, दिखाइए ज़रा करीब से। ये एक आरपीएम वाला, ये जो है एक बैटरी वाला, एक गर्मी वाला और एक आरपीएम वाला, तीनों वायर जो है हमने इकट्ठे कर दिए। अब हम दो पॉजिटिव, एक आपका जो है डीजल मीटर और दूसरा जो है देख लेता ऑयल प्रेशर, ये भी जो है हम पॉजिटिव ये सब इकट्ठे कर देंगे। अब इनको इकट्ठे कर दें, आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से जो है इसकी वायरिंग खुली हुई थी। हम पूरी इसकी वायरिंग मीटर की नई बना रहे हैं। मीटर में डिटेक्टर में जो है आग लग गई थी, ये मीटर देखिए आप पूरी तरीके से जल चुका। हम इसके पूरे कनेक्शन करके फिर इसका मीटर जो है चेक करेंगे कि अंदर से कोई इसमें ख़राबी तो नहीं है। ये वायर रेड कलर का, इसमें और इसमें हमारे यासिर भाई। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो है इनके पॉजिटिव वायर जो है सबके जो इकट्ठे जो है कनेक्शन इनका मैंने कर दिया। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से भी आपको भी मैंने वायर पत्तियाँ इसकी साबुत थी, इसलिए मैंने जो है इसकी पत्तियाँ नहीं काटी। और अगर आप इसकी पत्तियां भी ना हो तो इन ये नंबर डले हुए होते हैं, ये आर लिखा हुआ है, ये मेन है यानी रेड, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये जो है ये नेगेटिव है, ये ब्लैक कलर का ये वायर कसा हुआ है और ये वाइट कलर का है। ये टेम्परेचर टी में जाएगा हमारा, जिसमें ये सॉरी ये जो है ये बी लिखा हुआ है, ये बी इसका, तो ये इसका ये ब्लैक कलर का जो वायर है ये बैटरी के अर्थ में जाएगा हमारा, ये करंट में। ठीक है, और ये जो है ये हमारा जिस पे W लिखा हुआ है, तो W हमारा जो है टेम्परेचर टी में जाएगा। ये जो है हमारे गर्मी मीटर के कनेक्शन हैं, आप देख लीजिए। अगर हम अलग से भी गर्मी मीटर कोई भी ट्रैक्टर में या कोई भी चीज़ में लगाना चाहें तो उसमें भी सिर्फ तीन ही वायर होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये पत्ती लगी हुई थी इसलिए मैंने इनकी पत्ती जो है निकाली नहीं। अब हम जो है इनके तीनों वायर यानी ब्लैक कलर के, ये देखिए आप, एक इसका और ये बैटरी वाले एम्पियर मीटर का, डीजल का और ऑयल प्रेशर का, ये हम सब अब हम नेगेटिव भी जो है इसके इकट्ठे ही जोड़ देंगे। सबके नेगेटिव लेके हमसे जिस तरीके से मैंने एक पॉजिटिव वायर दिया हुआ है उसी तरीके से हम जो है अब इसमें एक नेगेटिव वायर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है इसके पार्किंग के कनेक्शन आपको बताएंगे। इसमें अब हम जो है T10 के बल्ब होल्डर, T10 नाम से कहीं भी आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अब जो है हम T10 के पार्किंग में फंसाएंगे, हमारे यासिर भाई फंसाओ जो पार्किंग में। और ये जो है तीन, ये देखिए आप, ये जो है ये तीनों पार्किंग के हैं। इसके बाद एक यहाँ पर हमारा बल्ब लगेगा, T10 का बल्ब होल्डर, वो जो है
तो ये जो हमारा जो है ये एक ऑयल प्रेशर का होता है, और ये जो बाजू में है इस साइड ये हमारे अल्टीनेटर की जो सर्किट बताता है, अल्टीनेटर वाला ये वो होता है। तो ये हमने इसमें एक करंट इसमें भी दिया हुआ है, देखिए आप पूरे मीटर का करंट पॉजिटिव हमने एक बार में दिया हुआ है। अल्टीनेटर के जो बत्ती लगी हुई होती है वो सर्किट बनाने के लिए, उसका भी हमने पॉजिटिव इस पर दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है पार्किंग के लिए पार्किंग चालू करना अभी हमें इसकी, और फिर इसके बाद जो है हम आपको पूरी चीज़ें चेक करके बताएंगे। तो हम पार्किंग के तीनों वायर जो हैं ये अर्थ वाले ये नेगेटिव ये हम जो है इकट्ठे, ये देखिए मैंने पार्किंग के भी जो है बहुत आसान है मीटर का कनेक्शन करना, ये हम इसमें जोड़ देंगे और इसको भी टेप लगा देंगे। फिर इसके बाद जो है ये तीनों का करंट, क्योंकि एक ही करंट से हमारे पार्किंग जो है मीटर जलेंगे बहुत आसान होता है। अच्छे लग गए पार्किंग के, अब इस पे दे दो एक अर्थ, इससे इस पे करंट एक निकाल के पार्किंग का, और इसका ही वायर बढ़ा दो। फिर अपन देखते हैं इसके गर्मी मीटर और ऑयल प्रेशर डीजल मीटर है ना, इसमें टेप लगाओ। अब हम सब वायरों को बारी बारी से बढ़ा लेंगे। इस पे एक करंट दे के इसका वायर बढ़ा, टेपिंग अच्छी तरीके से करना। पार्किंग का अर्थ हो गया, मेन भी हो गया है ना, कौन कौन से वायर हो गए जी, पार्किंग का मेन जे सबका अर्थ जे करंट। अब ये एक बत्ती का अल्टीनेटर वाली बत्ती का है ना, इसके बाद चलो अब इनके वायर बढ़ाओ सब, एक इसमें से बढ़ा दो, एक जे आरपीएम का इसमें से बढ़ा दो, और एक इसमें से तीन वायर बढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो है इसके पूरे वायर जो है बढ़ा दिए हैं, और इसका मैंने पूरा कनेक्शन आपको बता दिया है, पूरा कनेक्शन कर चुका हूँ। अब हम जो है इस मीटर को चेक करेंगे है ना, चेक किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये वायर जो है आपके पास, मेरे पास कलर के वायर नहीं थे, इसलिए मैंने अलग अलग कलर के इसमें वायर जो है लगाए हुए हैं, कर दिए हाँ, और जो छोटे वायर थे हमने उनको बड़ा करके इकट्ठा कर दिया, और मेरे पास कलर के वायर नहीं थे इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने कोई भी कलर का वायर। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे कौन सा वायर जो है किस चीज़ का है, तो वो हम इस बैटरी पे रख के सब चीज़ें जो है हम चेक करेंगे। देखिए मैंने पूरे कनेक्शन इस मीटर के कर दिए हैं, और जो मैंने आपको बताया था ना कि ये एक जो है ये वो लाइट का है, जो हमें लाइट का सिग्नल देता है ना, तो ये इस तरीके से हमने अब जो मीटर है रख लिया। अभी हम ये रेड वाला वायर, तो ये देखिए आप, हमने अब हम इसमें जो है मैंने ये दो वायर जो है ये ज़रूर इसमें कलर के इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि इससे हमारी नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान हो गई थी। ये वायर जो है मैंने जो पॉजिटिव में बैटरी के लगा दिया है, और ये वाला जो है अब हम इसमें एक वायर इसके साथ एक वायर कनेक्ट करेंगे, इससे हमें चेक करने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों जो है वायर लगाने पर हमारे मीटर जो है ये देखिए आप ये उठने लगे हैं। तो अब हम सबसे पहले एक एक करके इसकी पूरी चीज़ें
चेक करेंगे कि कौन सा वायर किस चीज़ का है, ये हम चेक आसानी से यहीं पर कर सकते हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, ये जो है ये गर्मी मीटर का हमारा वाइट कलर का जो वायर है, ये गर्मी मीटर का, ये हम गर्मी मीटर पे अर्थ लगा रहे हैं। ये वायर मैंने बैटरी के नेगेटिव पर दिया, ये गर्मी मीटर फुल हो गया। इसके बाद जो है इस वायर को हम नीचे कर देते हैं, दूसरे वायर पर करंट चेक करते हैं। ये वायर जो है डीजल का, देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा डीजल का, है ना। इसके बाद ये हो गया हमारा अल्टरनेटर बत्ती का, अल्टरनेटर सर्किट। इसके बाद ये हमारा हो गया ऑयल प्रेशर का, है ना, ये वाला वायर, ये ऑयल प्रेशर का, ये गर्मी मीटर का, ये डीजल का। इसके बाद ये हो गया अल्टरनेटर बत्ती का, ठीक है, ये वायर अलग। अब हम इसमें से एक एक करंट करके देखेंगे। ये हो गया हमारा पार्किंग का, ठीक है, पार्किंग करंट देना। इसके बाद ये जो है ये हमारा आरपीएम का, आरपीएम जो है इसका फंसा हुआ है, ये देखिए आप आरपीएम, ये देखिए आप गौर से देखिए, ये देखिए हमारा आरपीएम, ये पूरा कनेक्शन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को सपोर्ट करें।